इसमें हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। लासिंग चड्ढा का फर्स्ट हाफ मैंने देख लिया है और फर्स्ट हाफ जो मुझे छोटा सा लगा है, यानी कि लगभग एक से एक घंटा दस मिनट तक का ही फर्स्ट हाफ है। सेकेंड हाफ शायद बड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं इसके मिड रिव्यू के बारे में। अभी तक जो फिल्म है वो काफ़ी ठीक लग रही है, बहुत ही बेस्ट नहीं लग रही है। और फैमिली जो ऑडियंस है, स्पेशली बच्चे कुछ शायद ही पसंद आए ये फिल्म। लेकिन एक चीज़ फिल्म की अच्छी है, फिल्म का सोल बहुत ही स्ट्रांग है। मैंने ओरिजिनल देखी है फर्स्ट गम, और उसके बावजूद मुझे एकदम नई चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, और शायद मैंने बहुत पहले देखी थी। उसका सिर्फ थीम उठाया गया है, फिल्म को पूरी तरह से इंडियनाइज वर्जन में पेश किए करने की कोशिश की गई है। आमिर खान का जो पंजाबी टोन है वो काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर वही उनका टोन हिंदी वर्जन में होता या हिंदी में प्रॉपर होता हिंदी में तो और भी मुझे मज़ा आता। लेकिन वो करेक्टर जो है पंजाबी है, इसी बात है, वो उसके डायलॉग्स, उसके तरीके, उसका व्यवहार थोड़ा अलग होगा, और एक तरह का स्पेशलनेस है करेक्टर में जो बहुत ही प्योर सोल है, और जो अपनी माँ की हर बात सुनता है और किसी की नहीं सुनता है। तो ऐसा है ये लाल की लाइफ जर्नी है, बचपन से लेकर जवानी तक का अभी तक सफर तय हुआ है, जहाँ पे लाल की जिंदगी अभी तक हैप्पी गो लक्की थी, कुछ दिक्कत नहीं हुई, कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई, और धीरे धीरे अब इंटरवल आ गया और लाल की जिंदगी में अब एक भूचाल आ चुका है। वो भूचाल क्या है अब वो आप लोग फिल्म में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिल्म में करेक्टर पकड़ के रखते हैं आमिर खान, कुछ जगह आपको हंसी आएगी, लेकिन ज़्यादातर बहुत ऐसे मोमेंट्स नहीं है कि पब्लिक चिल्लाउट करके चिल्लाए या है ना, वैसे एकदम ही बोलते हैं ना एकदम सीटी बजाए, वैसा कोई मोमेंट नहीं है। फिल्म में एक सीरियसनेस है। फिल्म में शायद आई थिंक एक ही गाना अभी तक आया स्टार्ट में, और मे बी सेकेंड सॉन्ग आएगा या जो भी आएगा उस टाइम इंटरवल के बाद आएगा। आमिर खान की मेहनत दिख रही है, पूरे प्रोडक्शन हाउस की मेहनत दिख रही है, और अभी कोई निर्णय पे मैं पहुंच नहीं पाया हूँ, सी बात है फर्स्ट हाफ है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की विजुअल्स मैंने देखा है, जिस तरह की मेहनत मैंने देखी है, और जिस तरह का प्रोडक्शन वैल्यू अभी तक मुझे दिख रहा है लासिंग चड्ढा से, वो मुझे अच्छा दिख रहा है, और मैं फर्स्ट हाफ को 2.5 स्टार दूंगा, 2.5 स्टार। और जैसी पूरी फिल्म ख़त्म होगी अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। और एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कम है, आई होप सेकेंड हाफ में थोड़ा ज़्यादा रहे और फिल्म और अच्छी उभर कर सामने है। तो फर्स्ट हाफ का 2.5 स्टार।